भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सूरजपुर तहसील ऑफिस का घेराव कर NS-34 पर चक्का जाम किया। साथ ही मुख्यमंत्री और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा मामला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शांति सिंह के सरकारी जमीन पर कब्जा से लेकर जुड़ा हुआ है। आरोप है कि तहसीलदार के द्वारा शांति सिंह को सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 6 दिसंबर तक तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करना था। लेकिन जवाब पेश करने की तारीख के पहले ही तहसीलदार के कथित तौर पर कब्जा किए गए जमीन पर निर्माण को गिरा दिया गया, जिसको लेकर भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश है। उनका आरोप है कि तहसीलदार कांग्रेस के शह पर काम कर रहे हैं और भाजपा के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। वही तहसीलदार के अनुसार जो पत्र शांति सिंह को जारी किया गया था उसको लिपिक त्रुटि होने की वजह से गलत तारीख लिखा गया है। शेष कार्रवाई के नियम के तहत की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं इसे जबरदस्त तूल दे रहे हैं। कहा कि मुझे आप मत सिखाओ, आप राजनीति मत करो। मैंने कहा मैं राजनीति नहीं करी हूँ, एक आम जनता के साथ इस तरीके से न्यायालय परेशान नहीं करता है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, 3 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी बस इतनी सी निवेदन थी कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तो आप मेरी उपस्थिति ले लो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कार्रवाई हो चुका है, आपको जहाँ जाना है आप जाओ। और एक महिला को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। मैं तो उनके दिए हुए नोटिस के आधार पे यहाँ पे उपस्थित हूँ। और इतना ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने सबने कहा कि तहसीलदार साहब का यही रवैया है। और इस तरीके से एक महिला के साथ अभद्रता से जो बात की है ना, ये बहुत बड़ा मेरे लिए आहत हुई हूँ इस बात से। और देखिए, कल DJ निवास पे जो भूमि अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वह जगह डिस्ट्रिक्ट जज निवास के लिए आवंटित है, इसलिए कार्रवाई किया जाना जरूरी भी था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट जज का निवास बनेगा। चूँकि उसमें विधिवत हमने प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की हुई थी और अनावेदक को जवाब का अवसर भी प्रदान किया था, परंतु अपने समय पे वो उपस्थित न होकर उन्होंने आज कोई लेटर दिखाया जिसमें उन्हें आज की डेट दी हुई है, उसे लेकर वो हाजिर हुई। मुझे लग रहा है वो लिपिक त्रुटि का कुछ मामला रहा होगा जिसकी मैं जाँच करवा रहा हूँ।